हाय एवरीवन, आज इस वीडियो में हम बनाना सीखेंगे ह्यूमन फेस मास्क। इस एक ही वीडियो में मैं आपको मेल और फीमेल दोनों मास्क सिखाऊंगी। क्योंकि मैं यहाँ पे बेसिक कटिंग बता रही हूँ, इसलिए मैंने वाइट पेपर लिया है। आप चाहें कितना ही कलरफुल बनाएं अपने मास्क को, लेकिन ये है कि बेस जो है वो सबका सेम रहेगा। मैंने दोनों शीट A4 साइज़ ली है और उसको हॉरिजॉन्टल फोल्ड किया है। मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अब ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। और एक बात का ध्यान रखना है कि पेपर कम से कम वेस्ट हो, इसीलिए हम कॉर्नर से लाइन स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैं बोल्ड मार्कर का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो पेंसिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बाद में उसकी आउटलाइन कर सकते हैं। तो ये मैंने हाफ ड्राइंग कर दी है। अब हम दूसरी शीट पे ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि फीमेल जो फेस होता है उसकी ड्राइंग किस तरह से होती है। फीमेल फेस के साथ हेयर स्टाइल आप कैसा भी बना सकते हैं, अलग अलग हेयर स्टाइल के साथ मास्क कैसे कटते हैं ये मैं आपको किसी और वीडियो में कभी दिखाऊंगी। बहुत से जो लोग हैं वो इस तरह से कट नहीं करते हैं, वो सीधा बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों तरफ से क्या होता है, ड्राइंग जो है वो सिमिलर नहीं आती है, अनइवन होती है। तो ये एक टेक्निक है जिसको हमेशा मैं भी यूज़ करती हूँ, और अगर आप भी करेंगे तो आपकी जो शेप है मास्क की वो बिल्कुल परफेक्ट आएगी। तो यहाँ पे मैं इसको कट कर लेती हूँ। हम इसे खोल के देखते हैं कि शेप किस तरह से आई है। ओके, ये बिल्कुल परफेक्ट शेप है। इसको भी खोल के देखते हैं। ये देखिए दोनों तरफ से कितनी परफेक्ट शेप आई है। अब मार्कर से दूसरी तरफ भी ड्रॉ कर लेते हैं। अब आइज़ के लिए कटिंग करेंगे। कान का जो ऊपर का हिस्सा होता है वहाँ से इसको इस तरह से फोल्ड करना है। जैसी आइज़ की शेप होती है उसी तरह से इसको मैं हाफ ड्रॉ कर रही हूँ, लेकिन थोड़ा बड़ा बना रही हूँ क्योंकि फेस मास्क है तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगना चाहिए। फीमेल फेस मास्क के आइज़ की भी कटिंग साथ में कर लेते हैं। तो सेम उसी तरह से फोल्ड करना है और बिल्कुल उसी तरह से ही ड्रॉ भी करना है। अब सीज़र से इसको कट करेंगे। पेंसिल का जो ये निशान है मैं इसी के ऊपर सीज़र चला रही हूँ क्योंकि बाद में मार्कर से ड्रॉ करेंगे। ये देखिए दोनों तरफ से आइज़ जो है वो बिल्कुल परफेक्ट शेप आई है। फीमेल फेस मास्क का भी देख लेते हैं। ये देखिए अब मैं आपको बताती हूँ नोज़ की कटिंग किस तरह से करनी है। तो यहाँ पे मैं ओपन नोज़ बना रही हूँ, तो इस तरह से ड्रॉ करना है एक ट्रायंगल। दोनों में सेम ही तरीके से नोज़ बनाएंगे। अब देखते हैं इसके लिप्स की कटिंग किस तरह से करनी है। तो फीमेल फेस का जो मास्क है वो मैं थोड़ा स्माइली बना रही हूँ और मेल का थोड़ा नॉर्मल, ताकि आपको दोनों ही शेप का पता रहे। अब सीज़र से इसकी कटिंग कर लेंगे। तो नोज़ के लिए थोड़ा सा इसको ऊपर से पूरा कट नहीं करेंगे, थोड़ा सा इस साइज़ का छोड़ देंगे इस तरह से लूज। लिप्स को कट करने के लिए जो ये लाइन दिख रही है इसको हम पूरा कट कर लेंगे। पेपर कटर की हेल्प से भी आप इसको कट कर सकते हैं, बट वो शार्प होना चाहिए, क्योंकि शार्प नहीं होगा तो वो एजेस जो है वो ठीक नहीं आएंगी। फीमेल फेस मास्क को भी सेम उसी तरह से कट करना है जिस तरह से हमने मेल मास्क के लिए किया था। अभी ने ओपन करके देखते हैं, देखिए कितना परफेक्ट शेप आई है। आइज़, नोज़, माउथ,
ये देखिए स्माइली फेस। मास्क में थोड़ा और डिटेल ऐड करते हैं। डिटेल ऐड करने के बाद थोड़ा और अच्छा लगेगा देखने में। आप चाहें तो इसको कितना भी क्रिएटिव बना सकते हैं। बालों के लिए कॉटन या फिर वूल कुछ भी लगाएं, और फेस के लिए कोई भी कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लैक एंड वाइट बना रही हूँ। कई बार आपको ब्लैक एंड वाइट का अगर कहीं थीम मिलता है तो आप इस तरह से बनाएंगे और अपने फेस पे लगा कर कोई प्ले या कुछ भी अगर इस तरह से फोटोग्राफी करनी है तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा। वॉल डेकोरेशन के लिए भी ये बहुत अच्छा रहता है, या बोर्ड डेकोरेशन के लिए, तो इसको आप बना कर उस पर लगाएंगे तो ये बहुत ही सुंदर लगेगा। बोल्ड मार्कर का इस्तेमाल करें क्योंकि ये डार्क होता है और दूर से भी ये दिखाई देगा अच्छे से। नहीं तो पेंसिल या बहुत लाइट मार्कर का इस्तेमाल करते हैं तो फिर ये दूर से उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगेगा। तो लड़की के फेस के लिए थोड़ा सा आईज में लाइनर और थोड़ा सा और ब्यूटिफिकेशन के लिए कुछ भी ऐड कर सकते हैं आप। तो लैशेस बना देते हैं। थोड़ा और डिटेल ऐड करते हैं। तो बालों के लिए मैं लाइनिंग दे रही हूँ तो ये और ज़्यादा अच्छा लगेगा। देखिए जैसे जैसे डिटेल ऐड हो रही है तो ये और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और फेस मास्क के लिए हमेशा याद रखें A4 साइज़ का ही इस्तेमाल करें क्योंकि वो हमारे फेस पे जो है वो अच्छे से फिट होता है ना। वो बहुत छोटा रहता है और ना ही बहुत बड़ा लगता है। छोटे बच्चों के फेस के लिए भी आप इस साइज़ का यूज़ कर सकते हैं। मेरी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। आपको और किसी तरह की वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। Bye bye, take care, and thanks for watching.